काम कर रहे हैं किसी तरह से। तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना दी जाती है कि यहाँ पर क्या है, आओ हमारे पास। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिए हैं उसे हम प्रधानमंत्री को छोटा कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। पहला जानवर जब देखना तो भाजपा को जरूर याद कर लेना, इतना मैं कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने इसीलिए कहा, लेकिन मैंने जरा दूसरी बात आपको कहा। मैं आपसे एक चीज और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, बीच बीच में हमारे नेता कहां बोलेंगे। एक चीज याद रखना, जनता उबी हुई है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जाए, इसकी झूठ की वजह से। लेकिन याद रखना, भाजपा और कांग्रेस के तीन फर्क याद रखना। भाजपा खून बहाती है, दूसरों का और वोट मांगती है। कांग्रेस और भाजपा का, कांग्रेस और भाजपा का फर्क इतना है कि वो देश टूट जाए लेकिन पार्टी का टूटने पाए, इसलिए जीतते हैं। और हम, पार्टी कमजोर हो जाए लेकिन देश ना कमजोर हो पाए, इसलिए हम जीतते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फर्क, देश का किसान न मरने पाए, कमजोर न पड़ने पाए, हम इसके लिए जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, अगर कांग्रेस तब मजबूत होगी जब किसान मजबूत होगा, इसलिए कभी किसान इस देश का मजबूत न होने पाए, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान। मेरे दोस्तों, मुझे बता दो, मैं जवाब देने के लिए यहां से तैयार हूं कि अब कौन सा कमजोर मुद्दा है जो कांग्रेस वाला, कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर पड़े। अब तो जवाब देने की बारी भाजपा की है, क्या जरूरत पड़ गई। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप एक चीज ध्यान रखना, ये आपको हटाएंगे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। आप मत हटना, आप 2014 का इनका कहीं पोस्टर मिल जाए, इनके वायदे मिल जाए, एक एक गिना लेना और कहना जब तक इसको पूरा नहीं करोगे। गांव में भाजपा का घोषणा मना, गांव में भाजपा नहीं रहता। आप कहना चाहिए कि मैं आपको रोकता भी नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत सी पार्टियों को आते देखा, नेताओं को आते देखा, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा है जितना हम देख रहे हैं, जो झूठ बोलता है। तो आज आपसे यही विनम्र निवेदन है, एक अनुरोध है कि ये मान जाइए भाजपा का जाना तय है। अगर भाजपा का जाना तय है तो हिंदुस्तान चलाने की ताकत कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर किसी में है तो इस तिरंगे में, इस तिरंगे के अलावा किसी में नहीं।